वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल पास कर दिया है। महिला आरक्षण पर विपक्ष के आरोपों और बीजेपी की राजनीतिक मंशा समेत सभी मुद्दों पर स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे से खास बातचीत की। वहीं रायपुर में प्रदेश सरकार ने राहुल गांधी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ आवास न्याय योजना की शुरुआत की। राहुल गांधी की दौरे और आवास न्याय योजना को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया। दरअसल भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद सरोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर राहुल गांधी के दौरे पर भाजपा ने निशाना साधा है। सरोज पांडे ने कहा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का एटीएम है। राहुल गांधी का दौरा मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर है, जबकि भूपेश सरकार ने पीएम आवास के 16 लाख आवास गरीबों का नहीं बनाए। उन्होंने मंत्री टीएस सिंहदेव के पत्र का हवाला देकर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री आवास योजना एक भ्रम है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, उनके परिपक्वता पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री आवास योजना जो जनता के हित की थी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए थी, और छत्तीसगढ़ प्रदेश की उस योजना को उन्होंने रोका, राज्यांश नहीं दिया, पूरा नहीं किया, और अब मुख्यमंत्री आवास योजना लागू किया। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वह उस योजना को का श्रेय लेना चाहते हैं। और एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई। लेकिन उस योजना को वो ये जानते हैं कि ये योजना जब हम लॉन्च करेंगे उसके तुरंत बाद हम चुनाव के मैदान में चले जाएंगे, तो चुनाव के मैदान में जाने पर वो योजना एज इट इज रह जाएगी। राहुल गांधी जी इस विषय को जानते हैं, समझते हैं। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी की कार्यक्रम में उनका आना उनकी भी कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।